नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में आपके अपने चैनल यस फार्मिंग सोच किसान की में। भाइयों, आज हम पहुँचे हैं गांव किनोनी। गांव किनोनी किसान है अंकित भाई, अंकित बालियान किनोनी के खेत पर पहुँचे आज। उसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे वीडियो में। नई वैरायटी है, देखो ये जैसा आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार प्लाट खड़ा है इनका ये। भाइयों, इसके बारे में जानकारी करेंगे। और भाइयों, वीडियो जैसा आप देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, कमेंट करके कमेंट जरूर बताऊँ और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे किसान भाई, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे गन्ने की दवाइयों के बारे में। सारी जानकारी अच्छी अच्छी वीडियो के द्वारा मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला भैया जी का एक परिचय लेंगे और उसके बाद वीडियो में बात करेंगे वैरायटी की, कौन सी वैरायटी कब लगाई, उस वीडियो में बात तक बना रहे, सारी जानकारी आपको मिलेगी। नमस्कार भैया जी। जी भाई नमस्कार, कैसे हैं भैया जी? बहुत बढ़िया जी। तो भैया जी, आप अपना एक छोटा सा परिचय कराओ किसान भाइयों को। संदीप भाई, मेरा नाम अंकित कुमार, गांव की अंकित कुमार सनोफ राजवीर सिंह, गांव की नोनी, जिला मुजफ्फरनगर जी। तहसील भी आपके यही पड़ेगी? जी जी, यही। बहुत बढ़िया जी। तो भैया जी, ये बताओ, ये आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी है? भाई जी, ये वैरायटी है 11082। 11082 जी। ये 11082 है भाई जी, ये कहाँ की वैरायटी है? ये महाराष्ट्र की है भैया जी। महाराष्ट्र की जी। अच्छा जी, तो वैरायटी आपने महाराष्ट्र से ही अवेलेबल कराई है? जी 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 जी। बहुत बढ़िया। देखो मेरे किसान भाइयों, जैसा आप देख पा रहे हैं, देखो गन्ने की हाइट देखो आप। ये कौन सी तारीख की बुआई है आपकी? संदीप भाई, ये 15 मार्च की है। 15 मार्च की जी। किसान भाइयों, मैंने एक बार पहले भी, जब छोटी थी वैरायटी, जब तक टेलरिंग चलनी शुरू ही हुई थी, जमावी पई आई थी बस, जब भी मैंने इस प्लाट का आपको एक वीडियो दिया था। ये देखो वो गन्ना तैयार होया है, ये देखो कितना शानदार गन्ना खड़ा। तो ये आपकी 15 मार्च की बुआई थी जी? ये जी जी जी। आओ तो थोड़ा अंदर दिखाओ, ये देखो किसान भाइयों, ये कितने बीघे का प्लाट है जी आपका? हिंदी भाई, ये करीबन 1.5 एकड़ का। 1.5 एकड़ जी। देखो भाइयों कितना शानदार प्लाट खड़ा, 1.5 एकड़ का। कितने इंच पे वो रखा आपने? संदीप भाई, इसमें थोड़ी सी अब कम पर दिक्कत होगी। क्या जी? यह वैरायटी जब हम लाए तो हमने यो 58 इंच पर बुआई कर दी इसकी। अच्छा, 58 इंच पर जी। अच्छा जी। अब जब हम इसमें संदीप भाई ट्रैक्टर चलाने लगे जी, तो हमें इसमें समस्या बनी, हमें तो महाराष्ट्र की वैरायटी भी यहाँ थोड़ा सा कम करेगी। तमयो था? हाँ जी, गन्ना मोटा होने की वजह से हमें दिखाई दिया थोड़ा सा कम ब्याज करेगी वैरायटी, इतना नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो हमने हम 60 इंच पर गन्ना बोया लगभग, तो हमने वो 2 इंच लाइन इसकी घटा दी, 58 पर कर दी बुआई। अच्छा जी। संदीप भाई, आप विश्वास करो, जब हम इसमें ट्रैक्टर चला हुए थे, अच्छा जी, जब हम इसमें ट्रैक्टर चला हुए थे तो बहुत ही देख कर ट्रैक्टर चलाना पड़ा था हमें, इसमें मिट्टी चढ़ाने में भी हमारा बहुत नुकसान हुआ। क्यों, फैल का चल रहा था क्या थोड़ा? भाई जी, फैल का क्या, इसमें टिल्लिंग रखो आप। हाँ, टिल्लिंग बेहिसाब टिल्लिंग करवा गन्ना। तो ये कैसे बोया, सिंगल बड़ का बोया? नहीं, बोया आपने डबल बड़ बोया संदीप भाई। दो आंख की कंची बोई थी? दो आंख की कंची और कंचियों के बीच में थोड़ा सा इंच या 2 इंच का गैप। अच्छा, 1-2 इंच का गैप? 1-2 इंच का, कहीं को लेवर ने 1-2 इंच का कर दिया, कहीं को 3 का कर दिया, कहीं को मिला कभी दर्दी। जी 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 जी। तो वो संदीप भाई वो रहा इसमें, हमें तो इसमें मतलब प्यात इसने इतना करा। एक संदीप भाई, इसकी एक बात हो रहा है जी, जितने किसान भाइयों ने महाराष्ट्र की वैरायटी लगा रखी जी, सबको इस बात का पता, महाराष्ट्र का वैरायटी 1 या 2 दिन में नहीं आती। हाँ, 1-2 दिन। मेरे किसान भाई बहुत है क्षेत्र में जिन्होंने वैरायटी लगा रखी है जी, उसके बाद वैरायटी 7-8 दिन के बाद बोने के बाद में इतना अच्छा जमाव, इतना अच्छा टिल्लिंग और जो शानदारिया खड़ी है। कितने दिन में आकर पड़ी थी आपके यहाँ? जी वो करीबन आप 7-8 दिन में आने का चलो। 7-8 दिन जी, 7-8 दिन बाद बुआई हुई। हाँ हाँ, बुआई हुई 2-3 दिन करीबन वहां सहने में लग गए 3-4 दिन, फिर इसकी छिलाई हुई, बड़ कटाई हुई। बड़ कटाई होने के बाद में जब यह बुआई संदीप भाई जी जी। अच्छा, इसकी पहचान क्या है, पहचान बताओ किसान भाइयों को सबसे बड़ी। संदीप भाई यहाँ दिखाओ आप, ये पत्ती उतर गई, इस गन्ने की पहली उतर गई जी, तो ये थोड़ा सा काले से रंग पर आ जाएगा गन्ना, थोड़ा हरा सा, हरा सा हो जाएगा, हरा पीला सा होगा। हाँ जी, काला पना होगा। और जहाँ से पत्ती उतरेगी लेटेस्ट, वहां से गन्ने का ये कलर आएगा। ये देखो आप जी, ये देखो ये कलर आओगा गन्ने का।
जी, हल्का कालापन होगा जैसा कि सड़सठ में आया। ये देखिए, ये देखो, बिल्कुल बिल्कुल संदीप भाई मोटाई जी। जब हम इस गन्ने को लाए, वेट की बताऊ संदीप भाई मैं जी, सामली मील में जो किसान भाई बुग्गी लेकर जाना, लंबी बुग्गी को भरा, चौड़ी नहीं भर सकता। वो बाजार में को जाना, वो बाजार में को जाओ, छीला हुआ गन्ना 20 क्विंटल भरना हो, लंबा भारत हो जा। हम जब इस वैरायटी को लाए, हम इसे 20 क्विंटल वैरायटी लाए यहाँ से जी, तो हम इसे लंबी भर लाए ट्रैक्टर में। अच्छा जी, ट्रैक्टर के पीछे बुग्गी लगा के ऐसी भर लाई जैसे सामली मील में बुग्गी लेकर जा जी। 21 क्विंटल वजन हुआ भाई जी बुग्गी। अच्छा जी, हाँ जी। और मैं घोड़ा पत्ती सहित यो इसका वेट है जी जी जी, वेट का तोड़नी, वैरायटी बहुत शानदार है संदीप भाई। अच्छा इसमें ये बताओ भाई, सभी देखो किसान भाई एकदम अड़तीस से परेशान हो रहे, तुरंत एकदम सवाल किसान के मन में यह होगा जी जी, कि इसमें रोग की क्या कंडीशन है, रोग के बारे में बताओ थोड़ी, कितने आपने इसमें फंगस का क्या रहा, बिल्कुल सच्ची सच्ची बात बताओ संदीप भाई। खेत तो आपके सामने जी, खेत तो बिल्कुल, ये देखो खेत तो आपके सामने, मोटाई लंबाई आपके सामने बिल्कुल। मैं ये नहीं कह सकता इसमें बिल्कुल तो है नहीं जी, अब भाई बिल्कुल बीमारी है नहीं जी। देखो कोई भी गन्ना वैरायटी होगी जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होगा जी, वो थोड़ी बहुत ही 19-20 बीमारियों को उसकी पकड़ करेगी थोड़ी, 19-20 की भाई जी। इसमें दो स्प्रे तो है, कीटनाशक एक स्प्रे तो हमने भाई जी इसमें सबसे शुरू में कर दी थी, जब हमारे यहाँ पर मच्छर मक्खी इसमें लोबिया था, मैंने आपको पहले वीडियो, हाँ जी लोबिया था, मच्छर मक्खी आ गई थी लोबिया में बहुत ज्यादा, तो हमने एक वीडियो उसमें एक स्प्रे इसमें कर दी थी, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था जी जी जी। एक स्प्रे हमने इसमें करी, जैसा बरसात चालू हुई उस टाइम पे एक कीटनाशक एक फंगीसाइड जी, बस ये दो स्प्रे तो इसमें ऊपर हो रही भाई जी। इसमें मिट्टी चढ़ाते टाइम हमने फटेरा लगाया था। अच्छा, फटेरा लगाया था जी जी जी, बहुत बढ़िया। बस अपने फर्टिलाइजर तो वही जैसे डाई वगैरह डाल रहे, तो भाई जी सब डाल ही रहे हैं, तो इतनी बीमारी की पकड़ नहीं है भाई जी। जब नई वैरायटी आओगी उसमें खुद अपनी क्षमता हो कुछ दिन के लिए, सही कह रहे, नई वैरायटी जब आओगी, शुगर कंटेंट इसमें संदीप भाई पे हिसाब ज्यादा है, अब तक किसी वैरायटी में इतना है नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, मिट्टी भी अभी चढ़ाई दिखो थोड़ा टाइम पहले, नहीं नहीं संदीप भाई मिट्टी कितना टाइम हो गया, मिट्टी मिट्टी चुटोली होगा करीबन करीबन आप मान के चलो 1.5-2 महीना। 1.5-2 महीने जी, बहुत बढ़िया। देखो किसान भाइयों, थोड़ा आपको अंदर भी घुमाते हैं, ये निकली भाई, ये देखो टिल्लिंग है ना जी, दिखाओ आप जितनी भी टिल्लिंग है सब की सब पूरी है, पूरी बराबर है जी, अपना पूरे गन्ने बराबर है, कहीं बच्चे का कोई मतलब नहीं है, कोई बच्चे का मतलब। देखो भाइयों, नीचे बच्चा नहीं है बिल्कुल भी, जितनी भी टीलिंग है, जितना भी टीलिंग है बिल्कुल साथ लेकर चल रहा, 2 35 की तरह साथ लेकर चल रहा, साथ लेकर चल रहा जी 35 की तरह, बहुत बढ़िया। हाइट की बात करो, हाइट कितनी हो रही होगी, देख एक बार हाथ उठा कर भाई जी, आप ये लगाओ संदीप भाई हाथ उठा कर 7 फीट तो ऊपर मेरी हाइट पहुंच जा जी, अभी तो ऊपर गोला बहुत ऊपर, ऊपर अभी गोला है करीबन 1.5 फुट, बिल्कुल 1.5-2 फुट गोला है जी, तो अच्छे उत्पादन की उम्मीद करी जाएगी जी। देखो हाँ, अच्छे उत्पादन की उम्मीद करी जा रही है। देखो भाइयों, ये देखो कितना अच्छा खड़ा पूरा खेत भाइयों, 1.5 एकड़ के करीब बताया भैया जी ने, और देखो ज्यादातर जो हम देख पा रहे हैं, देखो ये किसी भी गन्ने में आप देख रहे टॉप बोरर या फंगस की कोई समस्या नहीं है पूरे प्लाट में। देखो कहीं पर थोड़ा सा बाहर चल कर, तो आपको मैं दूसरी लाइनों में भी दिखाता हूँ, ये देखो थोड़ा बाहर चलते हैं और इस वैरायटी के बारे में आपको प्रॉपर अच्छे से पूरी जानकारी दी जाएगी, ये नहीं कि इसी जगह घुस लिए हम और यहीं पर दिखा रहे हैं। ये देखो कितनी जबरदस्त प्लाट खड़ा है, 1180 का, ये देखो यहाँ पर घुसते हैं आपका, वहाँ से निकले थे, ये देखो देखो मेरे भाइयों, बहुत ही जबरदस्त प्लाट खड़ा है, तो अच्छी वैरायटी है, बहुत ही शानदार वैरायटी। तो भैया जी इसके साथ साथ में कोई यहाँ पर और दूसरी नई वैरायटी 16202 वगैरह लगा, 2 वैरायटी है 16202 जी, और पीबी 98। तो भैया उस प्लाट पर भी चलते हैं, वो भी आपको दिखाओगे, और पीबी 98 की और इसकी भी लेंगे थोड़ी जानकारी। भैयो हम दूसरे प्लाट पाए, देखो पिछले प्लाट में हमने ज्यादा 1180 देखा था, और इधर भैया जी एक 2 वैरायटी और बो रखी इन्होंने, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। तो भैया जी इधर कौन कौन सी लगा रखी है आपने? भाई जी ये वैरायटी है कोलक 16202 16202 जी,
अच्छा जी, ये जो लगाई आपने कितनी मात्रा में लगाई वैसे? भाई जी ये लग रही है हमारे पास में काफी मात्रा में है जी। और इसका ओरिजिनल और लोकल का यूट्यूब चैनल पर बहुत प्रचार हो रहा, आप ये दिखाओ, ये हमारी वैरायटी ओरिजिनल है लोकल है। ये देखो भाइयों, ये देखो संदीप भाई, इसके पत्तों में पीलापन है, धब्बे धब्बे से आपको दिखाई देंगे जी। देखो जी 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 जी, ये इसकी पहचान है। हाँ जी, ये इसकी पहचान है, स्ट्रेट पत्ता सीधा खड़ा है ऊपर। संदीप भाई आप बहुत लेट बुआई है, सिंगल बर्ड बुआई है। और इसका तुम कैरेक्टर दिखाओ, देखो नीचे से देखो किसान भाइयों, देखो जी पीला रंग होगा जहां से पत्ती उतरेगी। अच्छा जी, और जहां और क्या पीछा है ना, जो पत्ती उतर रही संदीप भाई देखो जी, वो रंग हो जाएगा इसका पर्पल, मतलब लाल से पड़ पा जाएगा, बैंगनी कह लो चाहिए आप। जहाँ पर पत्ती पहले उतर जाएगी, जहाँ पत्ती पहले उतर जाएगी, अगर ताजी उतारेंगे तो थोड़ा ये पेड़ा पड़ा होगा, पेड़ा सफेद सा पड़ा, गांठ के धुरे से थोड़ा पेड़ा इधर सफेद सा होगा, और इधर भाई हो देखो ये पेड़ा होगा, ये देखो जी जी जी, और फिर ये पल पर हो जाएगा पूरा। हाँ जी हाँ जी, देखो भाइयों, और इसका जो सबसे ऊपर का जो पत्ता है ये ऊपर खड़ा रहता है, और ये जो भैया जी ने बताया ये देखो पत्तियों पर ऐसे निशान। अच्छा जी, ये और भी कोई चीज लगा रखी है आपने इधर? भाई जी बस 16202 लगी हुई है जी, 11082 11082 जी ठीक। यहाँ तो इन प्लॉटों में तो यही वैरायटी संदीप भाई। ठीक है भाइयों, इनका और दूसरे जगह पर कौन सी लगा रखी है? भाई जी 15025 है मेरे किसान भाइयों, 15025 का एक दूसरा वीडियो देंगे आपको, ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो दूसरी वीडियो दूसरे भाग में मिलेगी, नहीं तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो दूसरा भाग जरूर देखें। तो वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, नमस्कार।